बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज 22 नवंबर से पर्थ में होने जा रहा है। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में है, क्योंकि रोहित शर्मा इस समय भारत में है, वहीं शुभमन गिल भी चोटिल हैं। ऐसे में वो पहले मुकाबले का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे ये अभी तक साफ नहीं है। यानी पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी ये अभी भी एक पहेली है। हालांकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कुछ चौंकाने वाले अपडेट जरूर सामने आए हैं। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया एक स्पिनर के साथ उतर सकती है, वहीं भारतीय टीम के स्क्वाड में तीन स्पिनर्स हैं। ये तीन खिलाड़ी हैं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। वहीं खबरों के मुताबिक पहले टेस्ट मैच में आर अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि लेफ्ट हैंडर्स तीन हैं, जबकि दो लेफ्टी टेलेंडर्स भी हैं, जिसके चलते मैनेजमेंट अश्विन पर दाव खेल सकता है। दूसरी ओर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन उन्हें भार बैठना पड़ सकता है। वॉशिंगटन सुंदर को ना खिलाना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है। वो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज रहे थे। उन्हें सीरीज के बीच में टीम में शामिल किया गया था और वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। सुंदर ने सिर्फ दो ही मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए थे। इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया था। उन्होंने न्यूजीलैंड की मुश्किल स्पिन गेंदबाजी के सामने 44.50 की औसत के साथ 89 रन बनाए थे, जिसमें 38 रन की एक नाबाद पारी भी शामिल थी। दूसरी ओर अश्विन ने तीन मैचों की 6 पारियों में 9 विकेट लिए थे। वो पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे थे। टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की पहली पसंद है, क्योंकि इनके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक अच्छा खासा अनुभव भी है। वहीं तीसरा तेज गेंदबाज आकाशदीप होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा भी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तीसरे तेज गेंदबाज के लिए हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच टक्कर है, यानी आकाशदीप को भी भार बैठना पड़ सकता है। इन तीनों गेंदबाजों में से आकाशदीप के पास ही भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। आकाशदीप टीम इंडिया के लिए अभी तक 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए हैं। आकाशदीप पारी की शुरुआत में विकेट हासिल करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा कर दिखाया था। ऐसे में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल ना करना भारतीय टीम को थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है।